देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नरसिंहगढ़ जनपद में फिर खुली भ्रष्टाचार की परत। सामुदायिक भवन पर सचिव ने किया कब्जा, गांव वालों ने किया विरोध। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत बमोरी में आने वाले गांव दुआखेड़ी में बने सामुदायिक भवन पर पूर्व सचिव ने कब्जा कर लिया है। गाँव वालों ने बताया कि हमारे गाँव में सामुदायिक भवन तो सरकार ने बना दिया, पर हमारी पंचायत के ही पूर्व सचिव राकेश राजपूत ने सामुदायिक भवन पर ट्रैक्टर जीप प्याज भर रखे हैं, ताला वही लगाता है। हमने कई बार इस मामले की शिकायत की, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गांव में जगह जगह कीचड़ देखने को मिल जाएगा। गंदगी के कारण मच्छरों बीमारी का खतरा बना रहता है। हमारे गाँव का स्कूल भी समय पर नहीं खुलता है। स्कूल के पास हमेशा गंदगी फैली रहती है। रामेश्वर जाटव जी, समाधव भवन की क्या आपने क्या करा था अभी तक? मैंने समाधव भवन पे 181 पे दो बार कॉल किया जी, शिकायत करी। इसमें लहसुन प्याज भराया जा रहा है, लाख है, टंकी पे कब्जा है, टैंकर कब्जा है, पूरे कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। और ट्रायल ले रायल सब रखे जाते हैं, जिसके बाद में मेरी पूरी शिकायत है जनपद पंचायत अधिकारी द्वारा दबी देगी दो बार। हाँ मंत्री जी, समुदाय भवन जवाब है नहीं। मैं शंकरलाल जाटव इस स्कूल का अध्यक्ष हूँ। आज मुझे मालूम पड़ा है कि सफाई अभियान में 35,000 रुपये आए हैं, और मेरे को पता ही नहीं था। दूसरे लोगों ने जानकारी दी, तब व्हाट्सएप से पूछे कहाँ आया है, लेकिन पता नहीं पैसा कहाँ गए। नहीं गए नहीं, पैसे है कहाँ है, सफाई नहीं हुई अभी तक। और मैंने पिछले साल सरपंच साहब से बात भी करी थी कि सफाई के बारे में हमारे यहाँ गिट्टी विट्टी हो जाए, तो उनने हाँ करी थी, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।